8 अगस्त से लेकर अब तक का पूरा सच बताएंगे कि कैसे केस में शुरू से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ है, कब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलेगा, कब उन दरिंदों को सजा मिलेगी, आखिर अभी तक यह केस क्यों नहीं सुलझा, कौन है जो इन दरिंदों को बचा रहा है, और जानेंगे कि कैसे ट्रेडिंग कैसे नौ युवा की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, युवा के साथ स्कैम हो रहा है जो फंस जाते हैं इसमें। तो पूरा देश इंतजार कर रहा था जिस दिन के लिए लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके इंतजार में डॉक्टर के माँ बाप के आंखों के आंसू सूख गए। उस डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिलने के लिए दिन अब बेहद करीब आ चुके हैं। कोलकाता की सड़कों पर बढ़ते आक्रोश के बीच विक्टिम को न्याय दिलाने की मुहिम दिन पर दिन जोर पकड़ती जा रही है, लेकिन इस बीच कोर्ट ने संदीप घोष पर बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जिससे संदीप घोष का बचना मुश्किल हो गया है। तो पहले स्कैम वाली बात करते हैं। तो आजकल ट्रेडिंग नाम की चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, और इसके ऊपर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमारे देश के युवाओं की बात है, इसलिए इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग और भी कई प्रकार की होती है, लेकिन आजकल कई ट्रेडिंग के नाम पर प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो केवल सभी के साथ स्कैम हो रहे हैं, जैसे कि कलर ट्रेडिंग को कहा जाता है, लेकिन यह कोई ट्रेडिंग नहीं होती बल्कि एक लकी गेम होता है जो सिर्फ अपने लक से जीता जा सकता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे कि स्किल से और एजुकेशन करके बिजनेस करना, जो आपके ऊपर डिपेंड होता है, जो सिर्फ अपनी समझ और स्किल से प्रॉफिट लॉस होता है, तो इसको ट्रेडिंग कहते हैं, ना कि किसी कलर को सिलेक्ट करने पर और ना ही एरोप्लेन उड़ने से आपको प्रॉफिट होता है। ऐसी चीजों में सिर्फ लोगों के लगातार पैसे खत्म हो रहे और लास्ट में लोन लेना या फिर आत्महत्या करना यही होता है। और असली ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में होता है, जो सेंसेक्स निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सभी में रियल ट्रेडिंग होती है। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, ना कि गेम खेलने वाली ऐप को। बाकी ट्रेडिंग के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना। अब डॉक्टर मोमिता की बात करते हैं। देखिए, एक बात तो 100% सही है कि अगर आज डॉक्टर बेटी का केस आज इस नतीजे तक पहुंचा है तो उसमें आम जनता और डॉक्टरों का बहुत बड़ा सहयोग है। अगर हम और आप अपनी आवाज को बंद कर लेते तो यह केस कब का बंद हो गया होता और CBI भी चुप्पी साध ली होती। लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टरों की ट्रेनिंग ले रही थी। 8 अगस्त 2024 को महिला ट्रेनी डॉक्टर नाइट शिफ्ट पर होती है, तभी रात के 11 बजे उन्हें अपनी माँ का फोन आता है, जैसे कि हर दिन आता था। और ये तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर बेटी ने अपने माँ के साथ क्या बातचीत की थी और उसके बाद विक्टिम के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कोलकाता केस में संदीप घोष के बाद अब संजय रॉय की वकील ने जो दलीलें पेश की हैं, उससे अब कोलकाता डॉक्टर मोमिता केस में एक नया मोड़ आ चुका है। हालांकि संजय रॉय की जो वकील थी कविता सरकार, इनका नाम आपने तो पहले ही सुना होगा, बाहर निकल के आया था और तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आई थी, लेकिन अब जिस तरीके से दलीलें संजय रॉय की तरफ से पेश की गई हैं, संजय रॉय की वकील जितनी बातें जो है CBI को बता रही है, उससे अब ऐसा माना जा रहा है कि क्या CBI को दोबारा से फिर से सबूतों में जो है कुछ बदलाव करने होंगे, या फिर अपनी पूछताछ में कुछ बदलाव करने होंगे, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि क्या उन्होंने अब तक एक गलत इंसान को पकड़ा था या सही इंसान अभी भी CBI की गिरफ्त से बाहर है। तमाम तरह के सवाल हैं। वही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर, साथ ही CBI से संजय रॉय आखिरकार भिड़ क्यों गया जेल में, इस समय संजय रॉय की हालत कैसी है, इन तमाम तरह की चीजों पर बात करेंगे कि वह वकील आखिरकार कौन है जिनकी वजह से यह कोलकाता केस अब पूरी तरीके से पलट रहा है। वकील का नाम कविता सरकार है, लेकिन यह वह वकील है, आपको शायद यह लगेगा कि आखिर कोई कैसे मतलब किसी आरोपी का केस लड़ सकता है। तो आपको याद ही होगा निर्भया का केस भी इस देश में लड़ा गया था, निर्भया के आरोपियों के पक्ष भी कोर्ट में रखे गए थे और तब यह केस लड़े थे AP सिंह। हमेशा हमारे देश का संविधान यह कहता है कि आरोपियों का अपना पक्ष रखने की अनुमति है और वह वकील के जरिए ही अदालत में रखी जाएगी। तो कविता सरकार वही वकील है। बकायदा आप समझिए कि कोर्ट ने कहा कि एक आरोपी का वकील होना चाहिए, तो तमाम वकील लड़ने को केस तैयार नहीं थे, तो कविता सरकार को एक तरीके से पॉइंट किया गया और उसके बाद कविता सरकार ने केस लड़ना शुरू किया। लेकिन जब केस लड़ना शुरू किया तो कहानी यहाँ पर पूरी बदल गई। केस में नया मोड़ तब आ गया जब
उनका एक बयान सामने आता है कि जो संजय रॉय है आरोपी, वो कह रहा है कि इस केस में वह शामिल है ही नहीं और वह निर्दोष है। अब सवाल यह उठता है कि जिसको कोलकाता पुलिस ने क्राइम के बाद दूसरे ही दिन पकड़ा, जिसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस उस बॉडी के पास से मिला, वो कैसे निर्दोष हो सकता है। बाकायदा संजय रॉय से जब पूछताछ होती है तो एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के अधिकारी उससे यह पूछते हैं कि बताओ उस लड़की के साथ तुमने ऐसा क्यों किया, मर्डर के बाद तुमने क्या किया। तो उसके बाद वो उन अधिकारियों को गुस्से में इंटरप्ट करते हुए बोलता है, रोकते हुए बोलता है कि वहाँ था ही नहीं। अब आप सोचिए कि अगर संजय रॉय ऐसा कह रहा है कि मैं वहाँ मतलब बाद में पहुँचा था, आप सोचिए कि ये किस तरीके से जांच को अलग दिशा देने की कोशिश हुई। अगर संजय रॉय वहाँ पे नहीं था तो उस वक्त जिस वक्त घटना हुआ, अगर वो बाद में पहुँचा तो फिर उस वक्त कौन था, ये बात किसको कब पता चलेगी। 50-60 दिन हो गए, आखिर सीबीआई यह बात क्यों नहीं ढूंढ पाई। अगर संजय रॉय की बात सही है, लेकिन कहते हैं आरोपी की बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता हमेशा, और पॉलीग्राफ टेस्ट में यह बात सामने आई है, जो रिपोर्ट आया है उसके आधार पर ही सीबीआई आगे बढ़ेगी। हालांकि हमने जिस तरह से दलीलों के बारे में बात की उससे यह लगता है कि कोई पहली बार नहीं जब इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। इससे पहले भी संजय रॉय के कई ऐसे बयान थे जो यह साबित कर रहे थे, इसी बयान में जो है सीबीआई फंस कर के रह गई थी। सबसे पहले जब संजय रॉय को जेल ले जाया जा रहा था, तब संजय रॉय के जो है शब्द यही थे कि आखिरकार उसे नहीं पता कि क्या हुआ और इस केस में उसका कोई हाथ नहीं है। उसका खुद का कहना था कि मैं चाहता हूं कि उस डॉक्टर को इंसाफ मिले। लेकिन दूसरी बार जब संजय रॉय का टेस्ट किया गया, उसमें उसका कुछ अलग ही पर्सनैलिटी निकलकर सामने आई थी जो आप सबको नहीं पता है। संजय रॉय के बयान में लगातार चेंजेस जो हैं अब देखे गए हैं, लेकिन अब जो कविता सरकार है जो दलीलें दे रही हैं, वो दलीलें काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। हालांकि देखिए, कानूनी तौर पर हर आरोपी को भी हक होता है कि अपने पक्ष की बात जो है वो सामने कानून के रखे, लेकिन जिस तरह से संजय रॉय का चर्चा हो रहा है कि सीबीआई से भिड़ने की बात सामने आ रही है, क्या यह माना जाए कि संजय रॉय को अब किसी का डर नहीं है। जिस तरह से वो कोर्ट में भी जा रहा था, उसका चेहरा देखकर तो ये साफ लग रहा था कि उसने या तो कुछ किया ही नहीं है या तो कुछ किया है, तो उसे पता है कि जो बॉस है वह हमें बचा लेंगे। लेकिन संजय रॉय की जो वकील ने कैसे बहुत आसानी से कह दिया कि संजय रॉय को हम पक्ष रखेंगे, और संजय रॉय वहां पर उस वक्त था ही नहीं। तो अब आपकी इस पर क्या राय है, लेकिन बी वांट जस्टिस जरूर लिखना और सब्सक्राइब भी कर लेना। अभिया के साथ बर्बरता, उसके साथ हैवानियत हुई, अब तक सड़कों पर डॉक्टर न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। जिसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया जिस पर टीएमसी नेता आग बबूला हो गए। कोलकाता आरजी कॉलेज के सामने एक स्टेचू लगाया गया है, यह स्टेचू डॉक्टर बेटी अभिया का है। दरअसल यह फाइबर ग्लास का स्टेचू बना है जिसका नाम अभिया क्राई ऑफ द वावर नाम दिया गया है। इसमें एक महिला को दर्द में चीखते हुए दिखाया गया है। स्टेचू से आप समझ सकते हैं कि अभिया कितनी चीखी होगी, कितने दर्द में रही होगी। और अब इस स्टेचू पर विवाद शुरू हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने इसे घटिया और ट्रेनी डॉक्टर के लिए अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक की सबसे खराब चीज है। वहीं करीब 2 महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कहा कि यह स्टेचू टीम का नहीं है, बल्कि ये उस दर्द और टॉर्चर का प्रतीक है जिससे वह गुजरी थी। यह स्टेचू हमारे प्रदर्शनों को भी दर्शाता है। कुणाल घोष ने कहा कि विक्टिम के नाम पर इस मूर्ति को स्थापना सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति कला के नाम पर भी ऐसा नहीं कर सकता। विरोध और न्याय की मांग करना ठीक है, लेकिन उस लड़की के दर्द भरे चेहरे वाली मूर्ति सही नहीं है। अब आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना।